हेलो गेमर्स, पबजी मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज हम पहले ही शुरू कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस को आपने काफी पसंद किया। कुछ वैसे ही क्लासिक मोड के ऊपर शुरू होने जा रही सीरीज का यह हमारा पहला वीडियो है। तो हमारा आपसे सवाल है कि आप खुद को कैसा प्लेयर मानते हो? वो प्लेयर जो रैम्बो या टर्मिनेटर की तरह जान हथेली पर रखकर सब कुछ तहस नहस करता चला जाता है, या फिर एक हिटमैन जो अपनी समझदारी दिखाते हुए इतनी खूबसूरती से गेम खेलता है कि किसी को भी पता नहीं लगने देता कि उनके साथ आखिर ये हुआ क्या है। हमारी समझ ये कहती है कि पबजी मोबाइल में चाहे आप एक रैम्बो हो या फिर एक हिटमैन, आपको सिचुएशन के हिसाब से अपनी गेम प्ले टेक्निक बदलते रहनी चाहिए। बाकी सबसे दो कदम आगे की सोचोगे तो गेम में देर तक सर्वाइव कर पाओगे। वो स्क्वाड जो मौसम के हिसाब से रंग बदलने और उसके आसपास जो कुछ है उसका पूरा फायदा उठाते हुए खेले, उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो पबजी मोबाइल की उस जगह के बारे में है जहां अच्छे से अच्छा प्रो प्लेयर भी बेमौत मारा जाता है। ब्रिज ब्लॉक। एक छोटी सी गलती आपके पूरे स्क्वाड पर भारी पड़ जाती है। आप सोच रहे होंगे हम तो ब्रिज ब्लॉक के बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी एक गलती फिर से कर जाते हो। आपका वो एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला कि आपने सब जगह देख लिया है और ब्रिज ब्लॉक नहीं है, वो आपको मुसीबत में डाल देता है। इसलिए ब्रिज क्रॉस कर रहे हो तो ब्रिज ब्लॉक्ड हो चाहे ना हो, ये पहले से ही मानकर चलो कि ब्लॉक्ड ही है। वैसे तो आपने शायद बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी जिनमें आपको कोई ऐसी चीज करने को कह दी जाती है जिसे ट्राई करना आसान नहीं है। उन ट्रिक्स को करने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर गेम तो आप खेल ही नहीं पाते। जैसे कि ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाली ये ट्रिक। क्या आपने किसी भी वीडियो में ऐसा देखा है कि कोई सिंगल कट में 2 से 3 बार लगातार ब्रिज पर चढ़ गया हो? 10 ट्राई करने पर 1 से 2 बार ब्रिज पर चढ़ पाते हैं, जिसमें 10 मिनट बर्बाद हो जाते हैं और फिर उसकी 1 मिनट की क्लिप YouTube पर डाल दी जाती है। तो गाइस, जितनी आसान ये ट्रिक आपको लग रही है उतनी आसान है नहीं। आपने भी अगर इसे ट्राई किया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। दुश्मन की गोली से मरने की संभावना इतनी नहीं है जितनी इस ट्रिक को ट्राई करते हुए मरने के चांसेस है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को पहली बार में करने में परफेक्ट हो गए हो तो आप PUBG मोबाइल के लेजेंड कहलाओगे। फिर तो आपको मुश्किल से मुश्किल ब्रिज ब्लॉक्स तोड़ने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। और दूसरे स्क्वाड जो ब्रिज ब्लॉक करने आ रहे हो उन्हें भी आप एक हिटमैन की तरह ऊपर से ही मार गिराओगे। तो गाइस, हमेशा मिलिट्री बेस साइड ब्रिज से ही जाने की कोशिश किया करो, क्योंकि नोवो ब्रिज ब्लॉक को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और सामने कोई प्रो स्क्वाड नहीं हुआ जिसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा ना हो तो ही आप नोवो ब्रिज ब्लॉक को तोड़ पाओगे, वरना तो भूल ही जाओ कि आप सही सलामत नोवो साइड ब्रिज से क्रॉस भी कर पाओगे। वैसे तो ज्यादातर टीम्स जोन शिफ्ट होने पर वहां से निकलना पसंद करती हैं, आउट ऑफ जोन फाइट करना कम ही टीम्स प्रेफर करती हैं। मगर जब जोन शिफ्ट होने पर भी एनिमी ब्रिज से ना हिले और आपके पास कोई और चारा ना बचे नोवो साइड ब्रिज से जाने के अलावा, तो मैं बता देता हूं कि आप क्या करने की कोशिश कर सकते हो। ये एक टीम कोऑर्डिनेशन गेम प्ले है। हमेशा 2 गाड़ी रखो, 2 प्लेयर ऊपर रुको, कवर फायर दो और होल्ड करो, 2 प्लेयर 1 गाड़ी लेकर ब्रिज से नीचे चले जाओ। गाड़ी लेकर इसलिए ताकि सामने वाली टीम को कंफ्यूजन हो कि शायद पूरा स्क्वाड नीचे चला गया है। और गाइस, 2 प्लेयर्स इसलिए कि कोई तब ही अकेला भेजा जाता है जब आप उसे जानबूझकर मरवाना चाहते हो। ये भी एक ट्रिक है जो लास्ट जोन्स में यूज की जाती है। कैसे, ये हम आगे आने वाली लास्ट जोन टिप्स ट्रिक्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, उससे पहले अपने 1 प्लेयर को बलि का बकरा बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी आपको पूरा गेम सर्वाइव करना है और हर प्लेयर कीमती है एक स्क्वाड के लिए। गाड़ी नीचे जाती देखकर ब्रिज ब्लॉक कर रही टीम का हौसला टूट जाएगा। हड़बड़ी में या तो वो नीचे भागेगी या फिर वहां से निकल लेगी। उनकी पूरी टीम नीचे आई तो ऊपर वाले 2 प्लेयर फटाफट दूसरी गाड़ी से ब्रिज क्रॉस कर जाओ, दोनों तरफ से घेर लो और उन्हें पेलो। उनके कुछ प्लेयर ऊपर रुक गए तो ऊपर वाले स्मोक करते हुए ऑन फुट आगे बढ़ जाओ। जैसे ही उनके करीब आने वाले हो, नीचे वालों से कहो गाड़ी लेके वापस ऊपर आ जाएं और तुम्हारे स्मोक का फायदा उठाकर फटाफट गाड़ी से ब्रिज क्रॉस करें। गैस स्टेशन पहुंच जाए और उन पर वहां से स्प्रे करना शुरू कर दे। गाइस, ये ट्रिक हर बार काम करती है, बट टाइमिंग बहुत जरूरी है तो प्रैक्टिस कर लेना। पर अगर वो सब ऊपर ही रुके तो नीचे वाला एक प्लेयर होल्ड करो और दूसरा स्विम करके आगे जाओ। ध्यान रखना, स्विम कर रहे प्लेयर को कवर देने के लिए रेडी रहना। नीचे वाला प्लेयर स्विम करके क्रॉस कर ले तो उसे होल्ड करके कवर फायर देने को कहो। तो जैसे ही नीचे पहला प्लेयर क्रॉस करता है वैसे ही दूसरे प्लेयर को स्विम करना शुरू करना है और उसके साथ ही ऊपर वाले दोनों प्लेयर्स को भी स्मोक पैक के आगे बढ़ना शुरू कर देना है। नीचे वाला सेकंड प्लेयर और ऊपर वाले दोनों, इन तीनों को एक साथ बढ़ना शुरू करना होगा ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं, ऊपर जाएं या नीचे रुकें। नीचे वाले दोनों सही सलामत क्रॉस कर गए तो बधाई हो, तुम आधा ब्रिज ब्लॉक तोड़ चुके हो। नीचे वाले उन पर फ्लैशबैंग डालो, मॉली डालो या नेट डालो, उन्हें रुला दो। फिर भी ना भागे तो अब तुम्हारे पास एडवांटेज है, तुमने दोनों तरफ से उन्हें घेर लिया है। क्लोज कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाओ। अब क्योंकि ये वीडियो ब्रिज ब्लॉक के बारे में है
अगर आप कहोगे तो क्लोज कॉम्बैट की टिप्स ट्रिक्स के ऊपर भी हम वीडियो जरूर लाएंगे। अब बात कर लेते हैं और क्या क्या किया जा सकता है नोवो ब्रिज पर। आपको यहाँ गाड़ी छुपानी हो तो आप यहाँ एक से दो गाड़ी छुपा सकते हो। यहाँ खड़ी गाड़ी किसी को नहीं दिखेगी। एनिमी अक्सर गाड़ी के टायर पंचर कर देते हैं। उस सिचुएशन से बचने के लिए कम से कम एक गाड़ी यहाँ पहले से ही पार्क कर दो, इमरजेंसी में काम आ जाएगी आपके। वैसे ब्रिज क्रॉस करने के बाद अक्सर प्लेयर्स गाड़ी बदलने के लिए या फिर गैस कैन लेने के लिए यहाँ रुक जाते हैं, तो तुम दो कदम आगे की सोचो। वहाँ गाड़ी ना हो तो अपनी गाड़ी ठीक उस जगह पर पार्क कर दो जहाँ वो स्पॉन होती है, और यहाँ गैस कैन भी रख दो एक। ये जबरदस्त तरीका है एनिमी की फील्डिंग सेट करने का, उन्हें बेट करने का। अब यहाँ वेट करो उनका, हर जगह कम से कम बॉडी एक्सपोज करो। इस जगह आपको कोई देख नहीं सकता, ये जगह गैस स्टेशन से भी नहीं दिखती। एनिमी चाहे किसी भी तरफ से आ जाए तुम्हारा निशाना नहीं चूकेगा। और अगर AKM और बैरल रिकॉइल की प्रैक्टिस अच्छी तरह से की हुई है तो ही उन्हें यूज करना, वरना M4 और SCAR-L ज्यादा स्टेबल गन्स हैं ब्रिज पर स्प्रे करने के लिए। तो गाइस अब फिर से टाइम आ गया है अपने हिटमैन स्किल्स दिखाने का। पीक करके स्प्रे कर दो एनिमी का, गेम ओवर। ठीक इसी तरह से तुम मिलिट्री बेस साइड ब्रिज पर भी एनिमी को बेट कर सकते हो। अगर ब्रिज के इस तरफ हो तो ठीक यहाँ पर एक व्हीकल पार्क कर दो, एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा। ज्यादातर प्लेयर्स यहाँ रुककर चेक जरूर करते हैं। चलो अब मिलिट्री साइड ब्रिज ब्लॉक कैसे तोड़ सकते हैं ये बताता हूँ। ये ब्रिज ब्लॉक तोड़ना बेहद आसान है गाइस, इसे एक क्लासिक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। पबजी मोबाइल क्लब ओपन PMCO प्रीलिम्स डे 1, टीम IND ने ब्रिज ब्लॉक किया हुआ था और चाइना की सबसे बेहतरीन टीम्स में से एक XQF को बुरी तरह से रुला दिया था टीम IND ने। स्काउट ओपी ऊपर चढ़कर कवर में से लगातार शॉट्स लिए जा रहा था उन पर। XQF को वहां से निकलने में काफी देर लग गई क्योंकि उनका सामना दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम्स में से एक से था, वरना इतनी देर नहीं लगती उस ब्रिज ब्लॉक को तोड़ने में। जैसे ही XQF का एक प्लेयर बगी से नीचे कूदा तो टीम IND ने नीचे जाकर उससे फाइट लेने के बजाय जोन को प्रेफर किया, क्योंकि उन्हें पता था कि XQF अब आधा ब्रिज ब्लॉक तो वैसे भी तोड़ ही चुकी है। गाइस ठीक ऐसा ही कर सकते हो आप भी। ब्रिज से नीचे किस जगह से कूदना है इसकी एक से दो बार प्रैक्टिस कर लो। ये ब्रिज के ऊपर चढ़कर क्रॉस करने से बेहद आसान है। और अगर बाइक से क्रॉस कर रहे हो आप तो ये हीरो वाली एंट्री भी मार सकते हो। इसके लिए आपको कवर फायर की जरूरत पड़ेगी। अपने टीममेट से कहो उन्हें पीक ना करने दें जब तक आप कूद नहीं जाते, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो एनिमी टीम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी वो धांसू एंट्री उन्हें सपने में भी आके डराने वाली है, वो ब्रिज ब्लॉक करना ही छोड़ देंगे। गाइस अगर आपका स्क्वाड्स को ट्रॉल करने का मूड हो, कुछ मस्ती करने का मन हो तो इस ट्रिक को जरूर आजमाना। यहाँ बगी ठीक ऐसे ही लगाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाना, इस तरह आप ऊपर भी देख सकते हो और स्कोपिंग करोगे तो नीचे भी देख पाओगे। और ये ट्रिक हार्मलेस है क्योंकि आप इस तरह ऊपर शूट नहीं कर पाओगे, बस स्कोपिंग करके नीचे ही शूट कर सकते हो। जैसे ही कोई आए फायर कर देना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं चल पाएगा आवाज ऊपर से आ रही है कि नीचे से। जब तक उन्हें समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है तब तक आपका मकसद पूरा हो चुका होगा। जैसे ही कोई नीचे आए, इससे पहले वो आपको देखे, आप उसे आराम से नॉक कर सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको भी कोई ऐसी ट्रिक पता है जो आपको लगता है किसी और को नहीं पता होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल है, आप हमें अपनी पबजी ID के साथ उसका क्लिप सेंड कर दो। टॉप 5 INYT गैंग मेंबर्स को हम देंगे फ्री Season 10 रॉयल पास या फिर उसके बराबर UC, जो भी आप चाहो। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गेमर्स।